और इस वक्त की बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव है, मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट किया गया है। और खुद अमिताभ बच्चन की तरफ से ट्वीट करके 4 मिनट पहले इस बारे में जानकारी दी गई है और उन्होंने खुद बताया, कंफर्म किया है कि वो कोविड पॉजिटिव है। अस्पताल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ परिवार वालों का और जो स्टाफ है उन सभी का टेस्ट करवाया गया है, रिजल्ट अभी आने बाकी है। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके अपील की है कि जो लोग भी 10 दिन से उनके संपर्क में थे वो अपना टेस्ट करवाए। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अमिताभ बच्चन सभी के महानायक जो है वो इस वक्त मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट है। और पिछले काफी समय से ये खबर आ रही थी, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूटीन चेकअप के लिए बिग्गी जो है वो नानावती अस्पताल गए हैं, लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि कोरोना से संक्रमित है बिग्गी, उनको भी कोरोना पॉजिटिव, उनका जो टेस्ट किया गया वो पॉजिटिव पाया गया है। और लगातार ये खबर, सबसे पहले हमने TV9 भारत वर्ष पर ब्रेक की कि उनकी तबीयत बिगड़ी है और उनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। और अभी थोड़ी देर पहले खुद अमिताभ बच्चन ने भी ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी है कि उनका कोविड रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। और इसके बाद जितनी भी उनके साथ रहने वाले उनके सहकर्मी, घर पर काम करने वाले और उनके परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी अपना कोरोना का टेस्ट कराया है, जिनके रिजल्ट आने अभी बाकी है। फिलहाल अमिताभ बच्चन का इलाज चल रहा है।